शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईद उल अजहा का पावन पर्व 1 अगस्त को अकीदत से मनाया जाएगा। ईद उल अजहा को लेकर गुरुवार को मोमिनपुरा परिसर में उलेमाओं और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जनसंपर्क किया। पुलिस और उलेमाओं द्वारा अपील की गई कि कोविड-19 का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, इसलिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएं। उलेमाओं और पुलिस ने सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क का इस्तेमाल करने और भीड़ जुटाने से बचने की अपील की। इस दौरान तहसील थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर, जामिया अरबिया इस्लामिया के संचालक मुफ्ती अब्दुल कदीर, जमीयत उलमाए हिंद के शहर अध्यक्ष हाफिज मसूद अहमद हुस्सामी, जमात इस्लामी हिंद के मोहम्मद सोहेल, समाज सेवी अनस अंसारी, मस्जिदों के इमाम व अन्य जिम्मेदार लोग उपस्थित थे। उलेमा और पुलिस की इस पहल में स्थानीय तंजीमों ने भी सहयोग दिया। इस समय जमीयत उलमाए हिंद के शहर अध्यक्ष हाफिज मसूद अहमद हुस्सामी ने कहा कि ईद उल अजहा पर घर में ही नमाज पढ़े, भीड़ जुटाने से बचे और नियमों का पालन करे। कोविड-19 का संक्रमण न फैले, इसीलिए सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक चलना जरूरी है। यह हमारी भलाई के लिए है। आपको सबको ज्ञात है कि पूरे शहर में 1 अगस्त को बड़े धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। मेरे मुस्लिम बंधुओं को पूरी विनंती है प्रशासन की तरफ से कि जिस हालत में अपन उत्सव साजरा कर रहे हैं, कोरोना वायरस है तो जो शासन ने गाइडलाइन दिया है, महाराष्ट्र शासन ने जो गाइडलाइन दिया है, शहर के माननीय पुलिस आयुक्त और NMC के कमिश्नर इन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसको अपने को पालन करना है। पूरे नमाज घर में होंगे, मस्जिद में कोई नमाज नहीं होगा और कुर्बानी भी घर में होगी, सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी नहीं होगी। और जो कुर्बानी में जिस प्राणी को प्रतिबंध किया है, जो सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में अधिनियम बनाया, उस तहत खाली जो प्राणी को कुर्बानी देने के लिए पात्र है उसी प्राणी की कुर्बानी होगी। और ये सब जो फंक्शन है ये पूरे घर में होंगे, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। इस प्रकार का आह्वान मैं सर मेरे एरिया के सभी मुस्लिम भाई को करता हूँ और अपनी कुर्बानी से कोई दूसरे को तकलीफ ना हो, और यही हमारा संदेश है आज के इसमें। मैं हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा, इमाम मस्जिद कादर साहब, मोमिनपुरा नाक। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।